मैं कल देर रात जगन्नाथपुरी पहुंचा। भुवनेश्वर में भव्य स्वागत के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा और पुरी में भी काफ़ी बड़ी संख्या में देर रात में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको मालूम होगा कि मेरा प्रवास मुख्य रूप से पर्यावरण बायो अपने पर्यावरण और जल परिवर्तन ये वायु जल ये हमारा जो कार्यक्रम था वन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था समुद्र के तट पर। मुख्य रूप से जो हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जितने समुद्र हैं तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग की ओर से अनेक कार्यक्रम देश भर में आयोजित हैं, जहां वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मना रहे हैं, वहीं नदियों के बारे में, झील के बारे में, समुद्र के बारे में, जो सामुद्रिक प्राणी हैं उन सब लोगों के बारे में जो एक संतुलन कायम करते हुए और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो हमारा कार्यक्रम है उसमें मैं कल जो देश में 10 समुद्री जिसको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है उसमें से जगन्नाथपुरी का जो समुद्री तट है उसको पूरी तरह से ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। ब्लू फ्लैग दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा समुद्री तट हैं, उसमें से भारत को 8 समुद्री तट जो है पिछले 2 साल पहले ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया और फिर 2 अभी सितंबर महीने में उसके बहुत बड़े मापदंड होते हैं, लगभग 30 से भी ज़्यादा 33 मापदंड हैं 33 और जिस पर खरे उतरना होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता एकल व्यवहार के जो प्लास्टिक हैं सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे सब चीज़ों को नहीं होना और फिर हर प्रकार से पर्यावरण और उसमें बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को इंटरनेशनल जो हमारी वहाँ संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क FEE जिसका पूरे विश्व के स्तर पर मान्यता प्राप्त जो इको लेवल होता है उसका ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज सुबह ही 5 बजे से ही जहां सागर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हमने लिया था और बड़ी संख्या में बहुत सारे जो NGO सोशल वर्कर और स्कूल की छात्राएं और बड़ी छात्र सभी उपस्थित थे, वहीं शासन प्रशासन और सभी विभाग के लोग, हमारे पार्टी के भी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के भुवनेश्वर के सांसद हैं और साथ साथ अपराजिता जी श्रीमती अपराजिता और साथ ही वहाँ के विधायक ये सभी मिल करके हम लोगों ने जहाँ समुद्र की सफाई तट की सफाई करने का अभियान था वो काम भी हुआ और उसके बाद हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया, साथ साथ टर्टल जो प्रजाति है उस प्रजाति का जो किस प्रकार से उसका समुद्र के अंदर वास होता है उसका भी एक वहाँ पर कह सकते हैं कि प्रदर्शनी उस रूप में लगा था तो उसके बारे में भी जानकारी लोगों को अवगत कराया जा रहा था। तो
जो हमारी पिछले साल का जो नए समुद्र तटों को लिया गया है उसमें तमिलनाडु का कोवलम है और पुडुचेरी में ईडन को इसको वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ है। और पुरी का जो यह समुद्र है अपने आप में ये बीच जो गोल्डन 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 वही मैं कह रहा हूँ गोल्डन बीच जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं जो 10 जो हमें सम्मान मिला है उसमें से लगभग श्रेष्ठतम स्थान इसका रहा है। तो ब्लू फ्लैग गोल्डन बीच पुरी का एक इतिहास रहा है। इसमें अभी तक जो हमारे मंत्रालय की ओर से लगभग 750 टन जो समुद्री कूड़े का उठाव वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान किया गया है और समुद्र तट पर जाने वाले 125,000 लोगों को समुद्र तटों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना ये काम बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर हुआ है। और इससे जो पर्यटकों की संख्या जो है उसमें 80% की वृद्धि हुई है पिछले कुछ वर्षों से। इससे आर्थिक विकास को भी बल मिला है और जो समुद्र आधारित जो ऐसे मछुआरा समाज या अन्य लोग जो हैं उनको भी रोजगार का संसाधन प्राप्त हो इसकी चिंता की गई है। और जहाँ तक कि मालूम है कि प्रदूषण उपशमन सुरक्षा और सेवाओं के जरिए 500 मछुआरे परिवारों के लिए वैकल्पिक आजीविका का अवसर इसमें से प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने अपने ICZM जो हमारा है उसके पहल के तहत हमारे जो विजन एजेंडा है उसमें अगले 5 वर्षों में हम और भी समुद्री तट को मतलब ब्लू फ्लैग के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 100 से भी अन्य 100 समुद्र तट हैं जिसको विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि टूरिस्ट देश और दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ आए और इसका लाभ उठा सकें। उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में मैंने बताया ना कि हम अभी उसको चिन्हित की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे जहाँ अभी हम लोग गोल्डन जो बीच पर थे उसके अगल बगल में भी कई बीच ऐसे हैं उसको भी वहाँ के प्रशासन के द्वारा यहाँ की सरकार के द्वारा उसको भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे 3 या 4 उन्होंने बताया कि हम इसको पुरस्कृत करेंगे। ICZM जो है जो संस्था हमारे विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट उसके द्वारा हमने जहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरे दुनिया में भारत को 3rd प्राइज विश्व में मिला है हमने समुद्री तट पर सोलर पावर सभी समुद्री तट पर सोलर पावर के द्वारा हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ सेफ्टी ब्रांचेज भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि पिछले 10 सालों के लिए ICZM का फर्स्ट फेज के द्वारा 1700 करोड़ रुपये 3 राज्यों को अगले 2010 से 10 वर्षों के लिए दिया गया था जिसमें उड़ीसा आपको गुजरात और वेस्ट बंगाल ये पायलट स्टडी के लिए और ब्लू फ्लैग का जो हम कह सकते हैं कि परिणाम सार्थक हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक
विजन है, उस विजन के अनुसार हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो जैसा मैंने कहा कि 750 टन का उठाव किया गया है, 1100 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीटमेंट करके समुद्र के किनारे ऐसा काम हुआ है। अब खास करके अभी इन सभी चीज़ों के कारण 80% टूरिस्ट का वृद्धि हुआ है और पिछले 80% का वृद्धि हुआ है। पिछले 2018 में हमने एक हमारे विभाग ने एक स्लोगन दिया था, आई एम सेविंग माई बीच। हाँ, मैं अपना मेरा समुद्र बचा रहा हूँ और आई एम सेविंग माई बीच। उस कार्यक्रम का उस स्लोगन से बहुत बड़ा बल मिला और उस कार्यक्रम का लगातार चल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि सारे जो परिणाम आ रहे हैं बहुत ही सार्थक परिणाम आ रहे हैं। तो कुल मिला करके जो हमारा संपूर्ण जो गोल्डन बीच पर जो सभी आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध है, टॉयलेट है, शोरूम, सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था, लाइटनिंग सेक्टर सिस्टम। और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 2020 से 21 अगस्त यानी कि 20 महीनों में, केवल 20 महीने में 138 टन समुद्री कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से हुआ है और इस अवधि में 5,97,000 पर्यटकों ने यहाँ आकर समुद्री बीच का आनंद लिया है। ये मैं गोल्डन बीच के बारे में कह रहा हूँ, 5,97,000। वो जो आंकड़ा आपने दे रखा है वो तो सब ऑल इंडिया का होता है, हमारे इंडिया का बारे में कुछ नहीं। नहीं, मैंने गोल्डन बीच के बारे में ये जो कहा, ये गोल्डन बीच के बारे में मैंने कहा, अभी जो कहा 5,97,000 पर्यटकों ने यहाँ आकर समुद्री बीच का आनंद उठाया है। ये जब से जी ब्लू फ्लैग मिलने के बाद, ये जनवरी 20 से 21 अगस्त यानी 20 महीनों में जो 138 टन कचरे का निस्तारण हुआ वैज्ञानिक ढंग से, और इसी अवधि में इतने लोगों ने, पर्यटकों ने यहाँ आकर समुद्री बीच का आनंद उठाया है। तो मिला जुला करके उड़ीसा का मुख्य रूप से हाँ 80% 2020 से 2021 20 महीनों में आज मुझे सेवा और समर्पण जो पार्टी के द्वारा देश भर में लिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस कार्यक्रम में आमंत्रण हुआ था, शिरकत करना था, लेकिन सड़क के व्यवधान के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया और आप लोगों के बीच मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि हमारे उड़ीसा के कल हमारे प्रांत अध्यक्ष, पूर्व प्रांत अध्यक्ष सभी लोग मिले थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं की टीम भी, युवाओं का भी बहुत अच्छी टीम यहाँ पर काम कर रही है और उड़ीसा के लोकप्रिय नेता, संगठनकर्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शबीर भंती जी हैं, वो एवं अन्य भाजपा के हमारे कर्मठ साथियों ने जो सेवा और समर्पण का काम किया है वो बहुत ही भव्य है। देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर से उनके जन्मदिवस से लेकर के और 7 अक्टूबर जो हमारा यह सेवा और समर्पण सप्ताह पक्ष हम मना रहे थे,
और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य से शुरू हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि कई काम ऐसे हुए हैं। आज मैं वहाँ पर मछुआरे समाज के बीच एक बूथ पर, जो देश भर में बूथ पर आज कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर थे, और आज मैं एक बूथ पर, वहाँ एक वार्ड 11 नंबर वार्ड पर 120 नंबर बूथ था पूरी में, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिला, और पोस्टकार्ड से लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जो अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जितनी प्रकार की भारत में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री उजाला योजना, ऐसे सभी योजनाओं के बारे में लोगों ने अपने पोस्टकार्ड में अलग अलग ढंग से उन्हें संदेश उन्हें देने का काम किया है। और हमारा आज का समापन कार्यक्रम इस पूरे देश में इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमने सेवा और समर्पण का काम पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनके सेवा भावना से न केवल भारत में बल्कि दुनिया में ऐसे लोकप्रिय नेताओं के श्रेणी में वो खड़े हुए हैं। तो हम सब लोगों ने शुभकामना और उनके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हुए ये पूरे देशवासियों की ओर से, देश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन चल रहा था। और आज समापन कार्यक्रम पार्टी ने कोविड के इस वैश्विक महामारी में भी जो सेवा का काम किया है वो अतुलनीय है। हर एक प्रखंड में, पंचायतों में, गांव-गांव में, जहां कोई भूखा ना रहे, प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हमने वह भी पूरा किया, और यह हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के भावना से हम काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी में आपने देखा कि जो लोगों के लिए हर प्रकार के वैक्सीनेशन का, 2.5 करोड़ तक का भी वैक्सीनेशन का एक दिन में पार किया है, तो आज दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का जो योजना है वो भारत में चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना अगर कहा जाए, सभी देशों को हमने ऐसे विकास, जितने भी विकसित देश हैं उसको भी पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जो हमारा दूसरा विभाग है, आप सभी जानते हैं कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके तहत जो 80 करोड़ गरीबों को, आम लोगों को, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं, ये पिछले 2020 में भी दिया गया और 2021 में अप्रैल से लेके नवंबर तक चल रहा है। मैंने दोनों ही विभागों की आज प्रदेश की समीक्षा बैठक भी वहाँ किया, और काफ़ी वहाँ वन विभाग, वन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, और अलग अलग फिर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का भी बैठक हमने किया। तो काफ़ी उड़ीसा में जो उनके उठाव हैं, हमारे केंद्र सरकार का जो ही योजना है उसका काफ़ी पैमाने पर अच्छा काम हो रहा है और उसे लाभ लोगों को पहुंच रहा है। हमने वन राशन, वन नेशन वन राशन, मतलब यह काम भी काफ़ी बेहतर काम उड़ीसा में हो रहा है, उसका भी शुरुआत अच्छे ढंग से हुआ है। तो आप उड़ीसा सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, भारत सरकार ने जो योजना ली है, हमने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है, वो तो स्वाभाविक है। धन्यवाद तो धन्यवाद के पात्र हमारी केंद्र की सरकार जब है, और राज्यों का जब तक सहयोग नहीं होगा तो राज्य सरकार भी स्वाभाविक है। उन सब लोगों को हम साधुवाद देते हैं जो लोग अच्छे काम में लगे हुए हैं। तो उसमें आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर वन नेशन वन राशन के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को घोषणा किया
कि फोर्टिफाइड राइस हम विभिन्न चावल की योजना में हम लोगों को देंगे, तो वह काम भी मैंने आज समीक्षा बैठक में हमारे FCI के द्वारा उसकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी पूरी तैयारी यहाँ वो लगातार कर रहा है और उड़ीसा में मुझे लग रहा है कि अव्वल काम फोर्टिफाइड राइस का तैयार करने में केंद्र सरकार का जो हमारे FCI और राज्य सरकार के सहयोग से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो देश भर में हम उसकी आपूर्ति भी करेंगे आने वाले दिनों में।